दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस का आर्यभट्ट कॉलेज। रविवार दोपहर करीब 1 बजे 19 साल का निखिल चौहान कॉलेज से क्लास करके इस गेट से बाहर आया ही था कि पहले से घात लगाकर बैठे कई लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस व्यस्त सड़क पर कोई उसे बचाने नहीं आया और उसकी मौत हो गई। निखिल पॉलिटिकल साइंस में प्रथम वर्ष का छात्र था। पुलिस ने नहीं बताया, उसके दोस्तों का फ़ोन आया था 12 बजे आज कि निखिल के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, किसी ने चाकू मार दिया है। हम यहाँ से वहाँ पहुँचे तो चार पालिका का हुआ है हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर लोंडा मृत था। लड़के ज़्यादा बता रहे हैं, 8-10 तो ये मोटरसाइकिल पे थे और भी आए थे जो मेट्रो से पहुँचे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निखिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपी बाइक पर सवार होकर भागते हुए दिखाई दिए। जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों राहुल और हारून को गिरफ्तार कर लिया। राहुल इसी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। सूत्रों के मुताबिक 11 जून को राहुल ने निखिल की गर्लफ्रेंड को कॉलेज में थप्पड़ मारा था। इसी बात को लेकर निखिल और राहुल में झगड़ा हुआ था। इस मामले में दो और आरोपियों राज और अनिल की पहचान हुई है। एक हफ्ते के पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग थे इसमें आए और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ था। इस वजह से इनकी चाकू भी लगी है। अभी हमने इसमें दो गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है हारून है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले रविवार सुबह करीब 5 बजे साउथ कैंपस के पास ही आरके पुरम की अंबेडकर बस्ती में रहने वाले ललित के घर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में ललित की दो बहनों पिंकी और ज्योति की मौत हो गई। जांच में ये बात सामने आई कि ललित ने देव नाम के लड़के को 10,000 रुपए दिए थे। इसी पैसे के विवाद में झगड़ा हुआ और फिर देव 8-10 लड़कों को लेकर आ गया। पहले इन लड़कों ने ललित के घर पथराव किया, फिर फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य शूटर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्याओं के दोनों ही मामलों में भले ही समय रहते कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ये मामले दिखाते हैं कि दिल्ली में पुलिसिंग का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में बाकी बचे आरोपियों की तलाश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।